नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा सब इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2015 और कैटेगरी नंबर 10 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 2017 को इवनिंग शिफ्ट में आयोजित हुई और इस परीक्षा की सीरीज नंबर 24 में हरियाणा राज्य GK से संबंधित पूछे गए सभी प्रश्नों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। जज्जर में सजावटी मछली हैचरी के लिए 13.68 करोड़ खर्च होंगे। सजावटी मछली पालन के लिए 16,000 एकड़ जल वाली भूमि को विकसित किया जाएगा। दिए गए दोनों कथन सत्य हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं, क्योंकि जज्जर में यह देश की पहली आधुनिक सजावटी मछली हैचरी होगी। अगला प्रश्न है, हरियाणा से पहले कौन सा राज्य खुला शौच मुक्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम देश का पहला खुला शौच मुक्त राज्य है। दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर केरल, चौथे नंबर पर उत्तराखंड और हरियाणा 5वें नंबर पर है। अगला प्रश्न है, सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के जनक एवं प्रमुख हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, बिंदेश्वर पाठक। मेवात को ODF मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री की खुले में शौच मुक्त घोषित करने वाले सुलभ अंतर्राष्ट्रीय जनक और प्रमुख बिंदेश्वर पाठक हैं और भारत के स्वच्छता अभियान की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए मेवात जिले के मोरोरा गांव का नाम वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य में SRB 2016 के लिए रिक्त स्थान था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 914। दिसंबर 2016 में हरियाणा राज्य में चाइल्ड सेक्स रेशो एट बर्थ 914 रहा और जनवरी से दिसंबर 2016 में हरियाणा में 5,25,278 बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें से लड़कों की संख्या 2,76,414 और लड़कियों की संख्या 2,48,864 रही और आगे इसका लक्ष्य 950 का रखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का SRB 914 जबकि हरियाणा राज्य का SRB 834 था और इस SRB को बढ़ाने के उद्देश्य से ही वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। साक्षी मलिक को 24 अगस्त 2016 को इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो रियो ओलंपिक 2016 में कुश्ती में कांस्य पदक विजेता हैं, जिसका जन्म 3 सितंबर 1992 को रोहतक जिले के तहसील महम के मोखरा खास गांव में हुआ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्य के उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, कैप्टन अभिमन्यु, जो नारनौन से विधायक हैं। अगला प्रश्न है, 2017 के सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले को रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नगदीहीन और कैशलेस मेला। 31वें सूरजकुंड मेले को कैशलेस मेला के नाम से भी जाना जाता है और यहां पर कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए देना बैंक को बैंकिंग पार्टनर बनाया गया था। इस मेले का विमोचन 1 फरवरी 2017 को हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। झारखंड राज्य को इस मेले में थीम स्टेट बनाया गया और स्वतंत्रता सेनानी झारखंड के बिरसा मुंडा की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। इप्ट को पार्टनर कंट्री बनाया गया था, जबकि 2016 के 30वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम स्टेट तेलंगाना था और 31वें सूरजकुंड शिल्प मेले में पर्यटकों की सुविधा के लिए मेला मित्रों की भी टीम गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य के लिए ऑनलाइन लिंग अनुपात निगरानी प्रणाली रिक्त स्थान के द्वारा विकसित हुई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, NIC। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने 26 फरवरी 2017 को पानीपत में ऑनलाइन लिंग अनुपात प्रणाली को शुरू किया। पानीपत देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां पर ऑनलाइन सेक्स रेशो मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है। स्वास्थ्य और महिला बाल कल्याण विभाग हर महीने चाइल्ड सेक्स रेशो पर हर गाँव से पानीपत जिले के डाटा इकट्ठा करेगा। इस डैशबोर्ड को NIC की मदद से स्थापित किया गया। NIC का मतलब है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अगला प्रश्न है, स्वच्छ शक्ति सप्ताह गुरुग्राम में रिक्त स्थान को हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 मार्च से
8 मार्च 2017। स्वच्छ भारत मिशन में महिलाओं की भागीदारिता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए महिला दिवस के अवसर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह का राष्ट्रीय विमोचन 1 मार्च 2017 को उस समय के केंद्रीय पेयजल तथा स्वच्छता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा के विकास पंचायती राज मंत्री कृषि मंत्री ओपी धनखड़ की उपस्थिति में गुरुग्राम के सेक्टर 38 में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया और इस प्रोग्राम में 1000 स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े सरपंचों और गुरुग्राम मंडल की सभी महिला सरपंचों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इस प्रोग्राम का समापन 8 मार्च 2017 को गुजरात में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगला प्रश्न है, स्वच्छ शक्ति सप्ताह में रिक्त स्थान से ज़्यादा सरपंचों ने भाग लिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1000 से ज़्यादा। अगला प्रश्न है, 2017-18 में हरियाणा के कुल राजस्व प्राप्तियां TRR मतलब कि टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट के बजट की अनुमानित वृद्धि रिक्त स्थान है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 14.06%। टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट में जो अमाउंट थी वो 69,327.09 करोड़ थी, जिसमें टैक्स रिसिप्ट 45,087.63 करोड़ और नॉन टैक्स रिसिप्ट 15,239.46 करोड़। अगला प्रश्न है, हरियाणा साहित्य संगम का प्रारंभ कब हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 17 मार्च 2017 को। हरियाणा स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों की कड़ी में किए जा रहे कार्यक्रमों में से एक 3 दिवसीय कार्यक्रम हरियाणा का प्रथम हरियाणा साहित्य संगम, जिसका विमोचन हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में किया 17 मार्च 2017 को। यह कार्यक्रम 7 अकादमियों के सहयोग से 4 भाषाओं में किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 2000 से ज़्यादा साहित्यकार रचनाकारों ने अपनी भागीदारिता प्रस्तुत की और इसका समापन 19 मार्च 2017 को हुआ। अगला प्रश्न है, मौजूदा संरचना के संरक्षण हेतु मंगल नगर विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए रिक्त स्थान का व्यय होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1000 करोड़। इस योजना के तहत सरकार आधुनिक अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी और शहरी क्षेत्रों में मौजूदा बुनियादी ढांचे की देखभाल भी करेगी और मंगल नगर विकास योजना के लिए सरकार ने 2017-18 के लिए 1000 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया है। यह योजना स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन, पूर्व उप मुख्यमंत्री और हरियाणा के महान नेता के नाम पर की गई है और इस योजना की जो घोषणा है वह जब हरियाणा का 2017-18 का बजट पेश किया गया 6 मार्च 2017 को, उस समय इस योजना की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत हरियाणा सरकार एक कालिक रिक्त स्थान का अनुदान देगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 21,000 रुपये। हरियाणा सरकार ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत राज्य के उन सभी परिवारों को एक मुश्त 21,000 रुपये की अनुदान राशि देने का फैसला लिया है जिनकी तीसरी बेटी का जन्म 24 अगस्त 2015 को या इसके बाद हुआ है। यह योजना राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को भी कवर किया गया है और लाडली योजना को आपकी बेटी हमारी बेटी योजना में इसका विलय किया गया है और इस योजना की देखरेख का जिम्मा महिला एवं बाल विकास विभाग का होगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका आधारित एक बड़ी तकनीकी कंपनी जिसने हरियाणा में अपनी वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला शुरू की है ने भारत में रिक्त स्थान करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवास करने का वादा किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर। अमेरिका स्थित तकनीकी कंपनी सिस्को ने हरियाणा के गुरुग्राम में अपनी 5वीं वैश्विक रेंज लैब शुरू की, जिसका लक्ष्य दुनिया भर में साइबर हमले में भारतीय कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को प्रशिक्षित करना है। यह भारत में पहली साइबर रेंज प्रयोगशाला है और इस सुविधा का उद्घाटन राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक गुलशन राय ने किया और सिस्को की बाकी 4 लैब ऑस्ट्रेलिया में हैं और इसके अतिरिक्त सिस्को कंपनी अपने 4th SOC की सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को पुणे में स्थापित करेगी
और सिस्को के पहले तीन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यूएस, पोलैंड और जापान में हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा लागू दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना से मृत्यु होने के मामले में रुपये रिक्त स्थान लाख की बीमा राशि होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 2 लाख रुपए। हरियाणा सरकार ने दुर्घटना बीमा योजना को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत शुरू किया है और इसके लिए जो आयु वर्ग रखा गया है वो 18 से 70 वर्ष के सभी लोगों को इस योजना में शामिल किया गया है, जिसका प्रीमियम 12 रुपये प्रति वर्ष वार्षिक रखा गया है, महीने का 1 रुपया, और इसके लिए जो समय अवधि है वो 1 वर्ष की है, 1 जून से 31 मई का पीरियड इसमें रहेगा। और अगर मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंटल दुर्घटना में तो 2 लाख रुपये, अगर एक आंख या एक पैर या एक हाथ अक्षति हो जाती है तो 1 लाख रुपये का बीमा प्रोवाइड किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हथनी कुंड नामक स्थल कहां पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यमुनानगर। यमुनानगर जिले में जगाधरी पोंटा सड़क पर ताजे वाला, हथनी कुंड तथा कलेसर वास्तव में ही रमणीय स्थल हैं जो एक दूसरे से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनमें ताजे वाला हेडवर्क्स बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और यहीं से यमुना नदी से पश्चिमी यमुना नहर तथा पूर्वी यमुना नहर निकलती हैं और यह स्थान मछली पकड़ने के लिए आदर्श स्थान है। ताजे वाला से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर हथनी कुंड है जो मछियारों का स्वर्ग माना जाता है और इससे आगे कलेसर है जो अपार शांति का प्रतीक है। 5098 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली यहाँ की शिकारगाह में मोटे साल के वृक्ष पाए जाते हैं जो विश्राम एवं मनोविनोद के लिए अपूर्ण प्राकृतिक छटा बिखेरते हैं। हथनी कुंड में हरियाणा पर्यटक निगम द्वारा पिनटेल रेस्टोरेंट की स्थापना की गई है और इस क्षेत्र की पहचान ऋग्वैदिक संस्कृत ब्रह्मावृत से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास का कुछ समय शिवालिक की इन पहाड़ियों में व्यतीत किया था और ताजेवाला के निकट दादूपुर स्थान है जहां 60 दरी यमुना के जल को नियंत्रित करने के लिए बनी है और यह स्थल भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अगला प्रश्न है, सोहना झील कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गुरुग्राम, जिसका पुराना नाम गुड़गांव है। सोहना गुरुग्राम से लगभग 24 किलोमीटर दूर दिल्ली अलवर मार्ग पर अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के मध्य अवस्थित है। दिल्ली से अलवर व जयपुर जाने वाले यात्रियों के लिए यह एक आदर्श पर्यटक स्थल है। सर्दियों का मौसम विशेषकर फरवरी का महीना पर्यटकों के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस महीने यहाँ विंटेज कार रैली आयोजित की जाती है। सोहना अपने प्राकृतिक गर्म कुंडों के लिए भी विख्यात है और लोगों का ऐसा विश्वास है कि इन गर्म कुंडों के गंधक युक्त पानी में स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है और सोहना की उत्पत्ति रकीसु नामक फकीर से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, सूर्य कुंड नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बिलासपुर। सूर्यकुंड बिलासपुर के समीप कपाल मोचन के पूर्व के सूर्यकुंड है। ऐसा माना जाता है या ऐसी धारणा है कि इस पवित्र स्थल पर स्नान करने से निसंतान स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होती है। कपाल मोचन को सोम सरोवर तीर्थ भी कहते हैं और तीर्थराज कपाल मोचन जगाधरी से 20 किलोमीटर दूर बिलासपुर, जिसका प्राचीन नाम व्यासपुर है, उसमें स्थित है। सोम सरोवर का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है और स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए यहाँ 3 अग्निकुंड बनवाए थे। उत्तर दिशा का अग्निकुंड पलाकस्तीर्थ कहलाता है जहाँ पुलस्तीन ऋषि ने तपस्या की थी। दक्षिण दिशा का अग्निकुंड कपालमोचन कहा जाता है जो अर्धचंद्राकार आकृति का है। तीसरा अग्निकुंड ऋणमोचन कहलाता है। अगला प्रश्न है, डबचिक जिसे होटल के नाम से भी जाना जाता है नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए फरीदाबाद में। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित डबचिक पर्यटन कॉम्प्लेक्स सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है और देश विदेश से आने वाले सैलानी फरीदाबाद के इन पर्यटक स्थलों को देखने में बड़ी रुचि रखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता है? अगर हम बात करें इस प्रश्न की, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सोनीपत। अंबाला पुलिस रेंज एक नई पुलिस रेंज है और जिसके अंतर्गत अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र तीन जिले आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत करनाल, पानीपत और कैथल जिले आते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी कैथल, क्योंकि कुरुक्षेत्र नई पुलिस रेंज अंबाला रेंज के अंतर्गत आता है, जबकि पंचकुला जो हरियाणा में तीन पुलिस कमिश्नरी हैं उन उन उनमें आता है। हरियाणा की तीन पुलिस कमिश्नरी पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, सही विकल्प चुनिए। हिसार पुलिस रेंज सिरसा हांसी, दूसरा है रोहतक पुलिस रेंज सोनीपत और जींद। अगर हम बात करें हिसार पुलिस रेंज की, हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत फतियाबाद, सिरसा, जींद, हिसार और हांसी आते हैं। तो जो पहला कथन है सिरसा और हांसी वो ठीक है। रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी आते हैं। तो सोनीपत तो रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है, लेकिन जींद नहीं आता। जींद आता है हिसार रेंज के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए केवल पहला सही है। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची एक में दिया है अंबाला पुलिस रेंज, करनाल पुलिस रेंज, हिसार पुलिस रेंज, रोहतक पुलिस रेंज और सूची दो में दिए गए हैं जिले कैथल, पानीपत, भिवानी और सिरसा। तो इस प्रश्न की हम बात करें, अंबाला पुलिस रेंज के अंतर्गत कुरुक्षेत्र आता है तो ए और चार का मिलान होगा। करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत कैथल और पानीपत दोनों आते हैं, मतलब कि बी का एक और दो के साथ मिलान होगा। हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत दिए गए ऑप्शन में से कुछ नहीं आता तो सी के साथ कोई ऑप्शन नहीं है। रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत भिवानी आता है, डी और तीन का मिलान होगा। तो अगर देखें दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से कोई भी नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अंबाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? इस प्रश्न का अगर पहला कथन देखें अंबाला और यमुनानगर, दूसरा है पंचकुला और कुरुक्षेत्र। हरियाणा में छह मंडल हैं, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद, जिसमें से करनाल और फरीदाबाद ये दो नए मंडल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विस्तार से बता दूं कि करनाल मंडल के अंतर्गत करनाल, पानीपत और कैथल आते हैं। हिसार मंडल के अंतर्गत हिसार, फतियाबाद, सिरसा और जींद आते हैं। गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ आते हैं। फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत फरीदाबाद, पलवल और नूह आते हैं। और अब बात करते हैं अंबाला मंडल की, अंबाला मंडल के अंतर्गत अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र आते हैं। तो दिए गए दोनों कथन सही हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, फरीदाबाद मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? जैसे अभी आपको बताया कि फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत फरीदाबाद, पलवल और नूह तीन जिले आते हैं। फरीदाबाद और नूह यह ठीक है, पलवल और महेंद्रगढ़ यह गलत है, क्योंकि जो महेंद्रगढ़ जिला है वह गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत आता है। गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए केवल पहला सही है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनियर स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।